अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के वैश्विक समारोह का हिस्सा बनते हुए कान्हा की नगरी में आधुनिक मंदिर के नाम से विश्व विख्यात मथुरा रिफाइनरी ने 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही जोश व उत्साह के साथ मनाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जोर देते हुए योग आसनों का अभ्यास शारीरिक मजबूती, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक शांति के लिए किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने और भारत के प्राचीन कला के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से योग के प्रोटोकॉल अभ्यास करने के लिए कम्युनिटी सेंटर रिफाइनरी नगर में एक सामूहिक योग सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें कि इस विशेष अवसर पर सभी को संबोधित करते हुए मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक और रिफाइनरी प्रमुख अजय कुमार तिवारी ने प्रतिभागियों के जुनून की सराहना की और शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक व आध्यात्मिक कल्याण के लिए सही मुद्रा का अभ्यास करने पर जोर दिया। इस अवसर पर मथुरा रिफाइनरी के वरिष्ठ अधिकारी, ऑफिसर्स एसोसिएशन व कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के साथ साथ रिफाइनरी कर्मियों सहित महिलाओं और बच्चों ने योगाभ्यास किया। कार्यक्रम के योग शिक्षक राजेश अग्रवाल ने योग आसनों को प्रदर्शित किया एवं उनके साथ तारेश डांगर और ब्रह्म कुमारी कृष्णा दीदी ने भी योग आसन किया व योग साधना के बारे में सभी को अवगत कराया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक व रिफाइनरी प्रमुख अजय कुमार तिवारी ने टाउनशिप के शॉपिंग सेंटर स्थित बैंक की पुरानी बिल्डिंग को रिनोवेट कर नगरवासियों के लिए योग एवं ध्यान साधना केंद्र का उद्घाटन किया। 21 जून आज पूरे भारतवर्ष सहित कान्हा की नगरी में विश्व योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। और आज हमें मथुरा रिफाइनरी नगर में, जैसे कि हमने देखा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक एवं रिफाइनरी प्रमुख अजय कुमार तिवारी साहब के नेतृत्व में योग दिवस मनाया। सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। हमारे साथ हैं इस समय मथुरा रिफाइनरी कार्यकारी निदेशक व रिफाइनरी प्रमुख अजय कुमार तिवारी साहब। सर, सबसे पहले आपका वॉइस फॉर नेशन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कान्हा की नगरी में योग दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, आपके सानिध्य में भी सैकड़ों की संख्या में आज नगरवासियों ने भाग लिया, क्या सर एक योग का संदेश दिया? देखिए, पहले तो 10वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मथुरा रिफाइनरी की तरफ से। हाँ, हमने भी मथुरा रिफाइनरी नगर में योग दिवस आज सुबह 6 बजे मनाया कम्युनिटी हॉल में, जहाँ पर हमारे सारे एम्प्लॉयज, CISF के बंधु, स्कूल के कर्मचारी गण, जो भी और भी काफ़ी व्यक्ति, उसमें बच्चे भी शामिल थे, लेडीज थी, महिलाएँ थे, बुजुर्ग भी थे। हम लोगों ने करीबन 1.5 घंटे का योग साधना किया और उसके बाद एक योग ध्यान केंद्र है वो उसका उद्घाटन किया। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास एक नया, ये हमने एक बैंक हुआ करता था पहले, उस इमारत को यूज करते हुए उसको रिनोवेट करके वहाँ योग साधना केंद्र हमने स्थापित किया है, उसका उद्घाटन किया, जिसका फायदा हमारे नगर यानी हमारे टाउनशिप के जितने वासी है सभी फायदा ले पाएंगे और 3-4 शिफ्टों में इसको चलाया जाएगा ताकि सभी को इसका फायदा होगा। सर, मथुरा रिफाइनरी में जैसे दिन रात अलग अलग शिफ्टों में लोग वर्क करते हैं और ड्यूटी करते हैं, तो कहीं ना कहीं माइंड में भी एक तनाव जैसा स्थिति बनी रहती है, तो योग के लिए आपके द्वारा ये जो मुहिम चलाई गई है बिल्डिंग को रिनोवेट करके, तो काफी अच्छा आगामी समय में लोगों को फायदा मिलेगा। साथ ही नगरवासियों के लिए जैसे योग के लिए क्या क्या एक वो रहेगा प्लान? देखिए, ये मैं एक चीज पहले बता दूं कि ये बड़े गर्व की बात है कि योग जो है इतना लोकप्रिय हो गया है, जो कि भारत में प्राचीन एक पद्धति रहा है, सभ्यता रहा है, हम कह सकते हैं इतना लोकप्रिय हो गया पूरे विश्व में कि यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून को 2015 में घोषित किया कि हर साल ये योग दिवस मनाया जाएगा। इसके कई फायदे हैं, न सिर्फ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक भी लाभ इसका होता है, इसका फायदा होता है। आप कितने भी तनाव में हो, कितने मेंटली और फिजिकली आप टेंशन में हो, तनावग्रस्त हो, लेकिन योग एक ऐसा साधना है, ऐसा एक मार्ग है, ऐसा विधि है जिससे आप क्षण भर में इससे मुक्ति पा सकते हैं। आपको एक बड़ा सुकून मिलता है, मन की शांति मिलती है और ऑफकोर्स शरीर का जो आपको हेल्थ बेनिफिट तो है ही है इसके अलावा। तो ये हमारे लिए, खासकर हमारे एम्प्लॉयज के लिए, ऑफिस से आने के बाद ऑफिस का जो एक तनाव माहौल तो नहीं बोलूंगा मैं, वर्क फिजिकली टायर्ड हो जाते हैं, मेंटली टायर्ड हो जाते हैं, तो उसको
दूर करने के लिए और उस अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए एक योग एक बहुत सही और अच्छी साधना है। और बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही एक्टिव होकर जो है लोगों ने योग का वहां पर एक्सरसाइज किया और बड़े आनंदित तरीके से सभी लोग एक अपने आप को स्फूर्ति और प्रसन्न होके वहां से गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शुरुआत है जी, और आगे भी इस तरीके का हम लोग कार्यक्रम करते रहेंगे और हमारे एम्प्लॉयज को इसका फायदा मिलेगा। थैंक यू सर। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ रहे मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक एवं रिफाइनरी प्रमुख अजय कुमार तिवारी साहब। उन्होंने बताया कि आज कम्युनिटी हॉल में एक योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि सैकड़ों की संख्या में नगरवासियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और सबसे बड़ी बात यह कि एक जो बिल्डिंग थी पुरानी बैंक की, उससे रिनोवेट करके उसमें एक योग के लिए बनाया गया है उसे। और आगामी समय में मथुरा रिफाइनरी नगरवासियों के लिए वहाँ योग के लिए अच्छी एक बिल्डिंग वो रहेगी और आगामी समय में लोग वहाँ योग कर सकते हैं। मथुरा रिफाइनरी द्वारा ये बहुत ही अच्छी पहल है कि डेली बेस पे अगर आज के समय में योग जो है हमारे भारतवर्ष में किया जा रहा है। पहले काफ़ी कम संख्या में लोग करते थे, लेकिन पिछले एक दशक में देखा जाए तो योग को लेकर भारतवर्ष में काफ़ी जागरूकता आई है। साथ ही मथुरा रिफाइनरी प्रमुख साहब ने यह भी कहा कि योग करने से इंसान का जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है और निरोगी काया रहता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किए गए योग केंद्र के उद्घाटन में उपस्थित मथुरा रिफाइनरी कर्मचारी संघ के महामंत्री मुकेश शर्मा एवं इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन के सचिव रविंद्र यादव ने योग केंद्र की स्थापना के लिए उत्साह व्यक्त किया एवं मथुरा रिफाइनरी नगर में किए जा रहे दिन प्रतिदिन बदलाव को लेकर मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक व रिफाइनरी प्रमुख अजय कुमार तिवारी का आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि योग केंद्र का शुभारंभ होने से टाउनशिप के सभी निवासियों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। शर्मा जी, मथुरा रिफाइनरी नगर में विश्व योग दिवस मनाया गया है और सैकड़ों की संख्या में नगरवासियों ने भाग लिया, आपने भी आज योगा किया, कैसा आपको लगा? जैसा कि दिनेश जी आपको विदित है, 21 जून 2015 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में योग में भाग दिया और आज हम 10वां योगा दिवस के रूप में मना रहे थे, जो कि उसी सिक्वेंस में सुबह 6 बजे हमारे मथुरा रिफाइनरी प्रमुख कार्यकारी निदेशक श्री अजय कुमार तिवारी के निर्देश में हम लोगों ने कम्युनिटी सेंटर के अंदर कम से कम सैकड़ों लोगों ने, इसमें हमारे महिलाएं, बच्चे, एम्प्लॉइज सब लोगों ने बढ़ चढ़ भाग लिया और युवा को अच्छी तरह से इन्होंने मनाया। एक बिल्डिंग भी आज उद्घाटन किया गया है योग के लिए, क्या कहेंगे, एक सराहनीय पहल? बिल्कुल, इसमें क्या दिनेश जी, मैं आपके चैनल से मैं लोगों को अपने एमारियंस को बताना चाहूँगा, ये बड़े गर्व की बात है कि पिछले 2-3 साल से हमारा लंबित मुद्दा था, हम चाह रहे थे कि हमारे एमारियंस को लिए टाउनशिप के अंदर उस कैंपस के अंदर हमारा कोई योगा सेंटर बनाया जाए, जिससे कि हमारे बच्चे महिलाएँ उसमें एक प्लेटफार्म बने और उसमें आके अपना योग कर सकें। उसमें हम अलग अलग स्लॉट बना देंगे, उसमें बांट देंगे और हमारे पास योगाचार्य हमारे खुद एम्प्लॉई हैं जो बाबा रामदेव से प्रशिक्षित हैं, उनको बाकायदा अनुभव भी है, तो उनका हम क्यों ना योगा का लेके उनसे हम लाभान्वित हों। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग हमारे बच्चों को, महिलाओं को, एम्प्लॉयों को अलग अलग स्लॉट में उस योगा सेंटर के अंदर, जो कि हमने वातानुकूलित बनवाया है, एयर कंडीशनड है, जिसमें हम लोग योगा कर सके और अपने इस शरीर को स्वस्थ, निरोग और कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस होता है, क्योंकि हम लोग शिफ्ट ऑन ड्यूटी करते हैं, कहीं ना कहीं हम प्रकृति के, नेचर के खिलाफ भी काम करते हैं, जो रात को ड्यूटी कर रहे हैं तो कोई स्ट्रेस होता है, योगा से कम आदमी अपने शरीर को स्वस्थ कर सकता है। और एक ये नई पहल, मैं धन्यवाद देता हूँ उच्च प्रबंधन को, जो कि हमारी मांग थी उसको पूरा किया और आज हमारे मथुरा रिफाइनरी कार्यकारी निदेशक श्री अजय कुमार तिवारी ने अपने कर कमलों से उसका उद्घाटन किया, उसके लिए मैं मथुरा रिफाइनरी कर्मचारी संघ की ओर से तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं और इस योगा दिवस के रूप में सारे हमारे को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तब जी, आज विश्व योग दिवस मनाया गया है तो क्या कहेंगे आज के इसमें? पहले तो दिनेश जी, आज विश्व योग दिवस के अवसर पर सभी को और आपके चैनल माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज का जो योग दिवस
जो मथुरा रिफाइनरी में संपन्न हुआ है, बहुत ही उत्साह और लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और अभी मैं देख रहा हूँ 1-2 साल से लोगों का जो युवक के प्रति और अपने स्वास्थ्य के प्रति मथुरा रिफाइनरी में जागरूकता दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और वर्तमान समय में हमारे मथुरा रिफाइनरी के मुखिया, EDM, रिफाइनरी हेड और जो उच्च प्रबंधन में लोग हैं, इस चीज़ों को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं कि हमारे जो एम्प्लाईज, हमारे जो नगरवासी जो मथुरा रिफाइनरी टाउनशिप में रहते हैं, एक स्वास्थ्य उनका सही रहे, उनका स्वास्थ्य का मन प्रसन्न रहे, उसके लिए तमाम गतिविधियां हो रही हैं। और उस गतिविधियों स्वरूप आप देखे होंगे, जैसे शर्मा जी ने बताया कि एक पुरानी बिल्डिंग थी वो खराब पड़ी थी, उसको रिनोवेट करके योगा केंद्र बना है। ऐसे ही हमारा टाउनशिप के अंदर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उसको कार्य उसका युद्ध स्तर पर चल रहा है और उसको रिनोवेट करके बहुत ही अच्छे और सोलर ट्री वगैरह भी लगाया जा रहा है। और हमारे इसके अलावा जो मथुरा रिफाइनरी नगर में स्टेडियम है, ऑफिसर क्लब है, एम्प्लाइज क्लब है, इसमें हमेशा टूर्नामेंट किसी न किसी रूप में होते रहते हैं, जिससे कि हमारे लोग जो ड्यूटी करके जाते हैं या हमारे जो बच्चे हैं या जो हमारे टाउनशिप में महिलाएं हैं, इन लोगों के लिए अलग अलग प्रोग्राम होता है। दोनों क्लब और क्लब बॉडी भी लगे रहते हैं और उसमें काफ़ी लोगों का जो विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है और जो हमारे टाउनशिप के अंदर अच्छे जो प्रतिभावान व्यक्तित्व हैं वो उभर कर सामने आ रहे हैं। और ख़ासकर हम लोगों का नगर चौपाल है, उसमें ओपन जिम वगैरह लगा हुआ है, आप देखेंगे सुबह जाएंगे तो लोगों का भीड़ लगा रहता है। इसके अलावा स्टेडियम में जॉगिंग ट्रैक, क्रिकेट का प्रैक्टिस पिच वगैरह और नाइट टूर्नामेंट वगैरह होता रहता है। तो इस समय मथुरा रिफाइनरी में समझिए कि एक बदलाव की आंधी चल रही है और लोगों में अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने योग के प्रति बहुत ही जागरूकता आई है और बढ़ चढ़ कर लोग भाग ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप जैसे लोग भी इसको अपने चैनल के माध्यम से प्रेरणा लोगों को देते हैं, तो मैं इस मौके पे आपको और सभी मथुरा निवासी को और यहाँ के प्रबंधन को दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि लोगों के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए, उनके बच्चे हैं तो उनके शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जैसे जागरूक हैं और जागरूक हों और हमारे बच्चों के, हमारे लोगों की उन्नति होगा तो देश की इसमें उन्नति है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज इस पावन मौके पर हम लोगों से विचार प्रकट करने के लिए बोले।